भारतीय डेंटल क्लिनिक के दूसरे ब्रांच का सोमवार को ग्रैंड ओपनिंग किया गया। इसका उद्घाटन रांची के सांसद संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ ने किया। यह डेंटल क्लिनिक और क्लिनिक से बेहद अलग है। अल्गोड़ा में भारतीय डेंटल ऑर्थोडोंटिक और इम्प्लांट क्लिनिक की ओपनिंग की गई, जिसका उद्घाटन संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ ने किया। इस दौरान नीता सेठ ने कहा कि आधुनिकता के दौर में हर चीज आधुनिक हो रही है, ऐसे में भारतीय डेंटल क्लिनिक को पूरा डिजिटल बनाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। रांची के लोगों को दंत चिकित्सा के लिए रांची से बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले तो मैं बधाई देती हूँ इनको, प्रिया जी को, कि जो है इन्होंने इतना बढ़िया अत्याधुनिक जो है डेंटल क्लिनिक खोला है, जिससे आज आज हम लोग सब जो है डेंटल मीन्स के रोग ही नहीं है कोई, वो आज सुंदरता का हो गया है। लोग अपने दांत सुंदरता के लिए भी जो थोड़े टेढ़े मेढ़े सही है, और आज हमारी ये तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो भगवान करे इनका खूब बढ़िया, इन्होंने जो अत्याधुनिक खोला है तो ये खूब अच्छा चले। भारतीय डेंटल क्लिनिक द्वारा पिछले कई वर्षों से रांची के लोगों को सेवा दी जा रही है। दूसरा ब्रांच ओपन हुआ, इस मौके पर डॉक्टर भारती ने बताया कि यह डेंटल क्लिनिक बाकी डेंटल क्लिनिक से बेहद अलग और बिल्कुल डिजिटल और स्पेशलाइज्ड किया गया है, और कम खर्च में यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी, ताकि दंत चिकित्सा के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। ऐसी डिजिटल सेवा लोगों को देने की तैयारी है। एक्चुअली हम लोग ऑर्थोडोंटिक और इम्प्लांट को फोकस में रख के एक अलग सेक्शन रखा गया है। स्टरलाइजेशन का यहाँ ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे हम लोग, एवरीथिंग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो सके यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को दें हम लोग एक रीजनेबल अमाउंट रेट्स पे। एक्चुअली हमारा ये इस क्लिनिक को लेने का मोटिव ये रहा कि ये थोड़ा और स्पेशलाइज्ड है, जो भी कुछ वहाँ पे होता था एक MDS होने के बाद एक स्पेशलाइज्ड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया है हम लोगों ने। यहाँ पे काफ़ी जितने अपग्रेडेड मशीनरीज जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा बेटर है वो सारे लाने की कोशिश की है यहाँ पे। भारतीय डेंटल ऑर्थोडोंटिक और इम्प्लांट क्लिनिक है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी सेवा दी जा सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमिता की रिपोर्ट।